हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड भाई 39 का नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी सैड पार्ट था पिछला, तो और ये पार्ट देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय इजाज़ ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पटुको, गुरु कुमार भीम की आत्मा के कल्याण के लिए आपको धरे जाने वाले प्रसाद को ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। बालक ही ना खाता है। मैं भी यही विचार कर रहा हूं पुत्र, किंतु कोई उपाय नहीं है। उपाय तो हो गए नहीं जब तक सारे बटुकों को संतोष न मिल जाए। हमें परोसना होगा, आज होगा विवाह का। ये नहीं उठे और बटुको को भोजन परोसने के लिए हमें आंगन में जाना चाहिए। ये भी हमने परेशान करके यहां बैठा हुआ है। जैसे मैं अपने भीम को खिला रही। महारानी, एक समस्या उत्पन्न हुई है। सारा भोजन समाप्त हो गया है और एक बटुक ब्राह्मण है जिसे अभी भी संतोष नहीं मिल रहा। सारा काम वो ब्राह्मण का हो, वो अधिक से अधिक भोजन मांग रहा है। उम्मीद नजर आई है। माता,
माता अब मिला संतोष। हाँ। नागों का राजा वासुकी हूं पुत्र। मेरे सैनिकों ने कहा कि तुमने उनसे भीषण युद्ध किया। ये मुझे डस रहा था। पवन देवता के कहने से मैंने अपने सैनिकों को भेजा था तुम्हारी रक्षा हेतु। तुम्हारी देह में विष था जिसे उतारने के लिए मैंने अपने सैनिकों को तुम्हें डसने के लिए भेजा था। विष ही विष को काटता है पुत्र। डसने से पूर्व कह नहीं सकता था मुझे। हम नाग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, पर तुम्हारे पूर्वज महाराज सुवसु ने भी नाग कन्या मारिशा से विवाह किया था। तुम्हारे भीतर भी नागों का ही रक्त है पुत्र, तो तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक है। मैं केवल क्रोधी नहीं बलवान भी हूँ। तुम्हारे बल का परिचय तो मेरे नागों को प्राप्त हो ही चुका है। तुम्हारे साहस और वीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें किसी प्रकार के विष से कभी कोई हानि नहीं होगी पुत्र। ये लो इस अर्घ का पान करो। इस विशेष प्रकार से बनाए गए सोम के कारण तुम्हें 100 हाथियों का बल प्राप्त होगा पुत्र। 100 हाथी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। We'll be right back.
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे, बिल्कुल भाई एक बहुत ही दुख की घड़ी चल रही थी और सब खुशियों में बदल गई, खुशियों में बदल गई भाई घड़ी, क्योंकि अब विश्वनाथ जी कुंती तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उधर से अर्जुन भाई अपनी माँ के साथ साथ ही रहता है, क्योंकि वो काफ़ी केयर करता है कुंती की, बाकी भी करते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भाई खुशी हुई। हम तो यकीन करें बहुत परेशान थे इस चीज़ के ऊपर, भीम के ऊपर, लेकिन वो दरमियान में ही आके बैठ गया, फिर वो उसने खाना खाया बहुत भाई। जब उसने लड्डू मांगा था तब भी हम समझ गए, जब हमने देखा था ना देखते साथ ही हम तो समझ गया था ये भाई, एकदम से हमें तो भाई नहीं पता चला कि कौन था, लेकिन फिर जब उसने लड्डू खाया और लड्डू खाया था उस वक्त तब पता चला कि भाई भीम इधर ही बैठे हुए हैं। और काफ़ी खुशी हुई उनको, एक सरप्राइज था सबके लिए, क्योंकि एक 13 दिन भाई गुजर गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन 13 दिन बाद देखा तो कैसी उनकी भाई फीलिंग होगी, काफ़ी अच्छा भी भाई महसूस हो रहा था भैया, बिल्कुल। एक तो पता नहीं क्यों इनके साथ लगन हमें भाई बहुत हो गई है, ये जो पानी पुत्र है ना पांच, और बहुत ज़्यादा ही इनके साथ लगन है, हम तो नहीं देखना चाहते इनको कोई नुकसान हो, प्यारे हैं बच्चे हैं सारे तकरीबन प्यारे हैं, लेकिन ये कि दूसरी साइड के ऊपर जो उधर देखा जाए तो ये दुर्योधन का भाई बताएंगे कि नहीं, मुझे हाँ, तो अब ये भाई जरूर बताना चाहिए तो, लेकिन शायद कुछ वो नहीं बताएंगे, वो कर जाए कवर, वो मतलब ना उसको, क्योंकि उसके पास अब पावर बहुत है भीम, 100 हाथियों के बराबर ये चीज लगी है यार, थोड़ी पावर नहीं है इसको, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो इस, मुझे तो लगता है इस बात को सीक्रेट रखेगा और अंदर ही अंदर अब इससे बदला भी लेगा कि कैसे, क्योंकि अब एक बात अच्छी भी हुई है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मेरी जान ले सकते हैं, इतनी हद तक ये पहुंच सकते हैं, उन पर बिलीव नहीं करेगा, वो इस चीज के ऊपर थोड़ा वार्न कर सकते है, मतलब उनका ख्याल रख सकता है कि इनको किसी तरीके से उनके हाथ ना लगने दिया जाए, बिल्कुल। शकुनी और दुर्योधन परेशान है, और हम खुद भी रियल पूछे तो हम उनको परेशान देखना भी चाहते हैं, जो भी अब इसी की बात है, ठीक है कि जो भी आप समझे, लेकिन हमें जो है ना वो खुद नहीं, मतलब हम तो चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई इस तरफ से कोई जो है ना वो टक्कर वाले मिले, तो हम अपनी आंखों से देखें खासकर शकुनी को, क्योंकि उसका किया धरा है सारा कुछ, बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक।